सीए टॉपर त्रिभुवन मिश्रा। ये एक वेब सीरीज होने वाली है जो कि 18 जुलाई से नेटफ्लिक्स पर स्ट्रीम कर रही है। अब इसे देखना चाहिए नहीं देखना चाहिए, कितना समय आपको लगेगा देखने के लिए, कितने एपिसोड होने वाले हैं, स्टोरी क्या होने वाली है, कौन कौन से कैरेक्टर इसमें होने वाले हैं, ये सारे हिंट्स, ये सारी बातें आपको इस वीडियो में मिलने वाली है। सबसे पहले आपको क्लियर कर दूं, इसका नाम सीए टॉपर है ज़रूर, लेकिन सीए वाले कोई एक्टिविटी इसमें है नहीं। मतलब सीए क्या कोई कोर्स, सीए के लिए किस तरह से पढ़ाई की जाती है, उनके कोई टिप्स, उनका स्ट्रगल, उनका स्टडी, उनका मटेरियल, आपको ऐसा कुछ नहीं मिलने वाला है। ये एक स्टोरी होने वाली है एक आदमी की जिसका नाम है त्रिभुवन मिश्रा। वो सीए टॉपर रह चुका है और नहायत ही शरीफ और मेहनती बंदा है जो कि बिल्कुल ईमानदार है, टेबल के नीचे से पैसे नहीं लेता है। उसकी स्टोरी किस तरह से उसकी सीधी साधी सधी हुई लाइफ किस तरह से एक डार्क लाइफ बन जाती है, किस तरह से उसकी नॉर्मल लाइफ में गुंडे एंट्री कर जाते हैं, वो गुंडों के चपेट में आ जाता है, इस वेब सीरीज में आप देखने वाले। स्टोरी होने वाली है एक मिडिल क्लास फैमिली, एक मिडिल क्लास फैमिली किस तरह से स्ट्रगल कर रही होती है, उसका डेली लाइफ किस तरह से बीत रहा होता है, जहाँ पे वो मॉल तो घूमती है पर शॉपिंग वहाँ से नहीं करती है, जहाँ पे सेल लगा होता है वहाँ से करती है। उसके घर में ओवन तो है लेकिन ओवन पुराना है जिसे ठोक पीट करके ठीक किया जा रहा है, नहीं ओवन नहीं है घर में। पत्नी को साड़ी चाहिए लेकिन वो साड़ी जहाँ से लगती वहीं से आती है। थिएटर में सिनेमा देखना है लेकिन मिलने वाले पॉपकॉर्न को खरीदना है बहस करने के साथ। तो ये सारी बातें, ये सारी चीज़ आपके, आपकी जो फैमिली है संतुष्ट है आपके कम पैसे से ही, ये सब आप देखने वाले हैं। एक नॉर्मल सा बंदा फिर ऐसा कैसे, एक दिन क्या होता है, संभव उसके बैंक में जो पैसे वो सेविंग करके रखा होता है अचानक बैंकक्रप्ट हो जाता है, उसके सारे पैसे डूब जाते हैं और फिर त्रिभुवन मिश्रा एक सेक्स वर्कर बन जाता है और उसकी सेक्स वर्कर का जब सर्विस देता है तो उसकी पहली क्लाइंट बन जाती है राजा भैया, यानी कि नोएडा सिटी के बहुत बड़े गुंडे, बहुत बड़े भाई, उनकी बीवी से उनका पहले वो उनकी क्लाइंट बन जाती हैं। अब जब ये बात राजा भैया को मालूम चलता है कि उनके घर में सिंध पड़ गई है कोई सीए टॉपर की, अब उसको ढूंढना शुरू कर देते हैं। इसी पर स्टोरी है पूरी है, किस तरह से एक सीए टॉपर बन जाता है सेक्स वर्कर, अब क्यों बनता है, ये सब आप इस वेब सीरीज में देखने वाले हैं। इसे बनाया है मिर्ज़ापुर के मेकर्स ने। तो कुछ टॉप वेब सीरीज है जिनके कास्ट इसमें भी कास्ट हैं, जैसे कि पंचायत के प्रहलाद पांडे और विनोद, कोटा फैक्टर सीजन 3 की पूजा दीदी और मिर्ज़ापुर के रतिशंकर शुक्ला। मेरिट से कुछ कमियां बताने वाली है कि ये एक फिल्म हो सकती थी, 2-2.5 घंटे की फिल्म हो सकती थी, इतने बड़े जो इसको खींचा गया 9 एपिसोड और पर एपिसोड लगभग 1 घंटे का है, तो इसे अगर एपिसोड में सीरीज बनाना था तो कम से कम 4-5 एपिसोड और 25-30 मिनट की ड्यूरेशन होनी चाहिए थी, लेकिन इतना बड़ा जो किया गया है खींच करके तो थोड़ा थोड़ा आप इसको बोर फील कर सकते हैं, लेकिन अच्छी भी है, टाइम देना चाहिए क्योंकि कुछ ऐसे कैरेक्टर हैं जो कि आपको बोर नहीं करने वाले हैं। सबसे पहले मैं तो मानव कॉल को देख करके मैंने ये वेब सीरीज देखा था, सबसे पहले नेटफ्लिक्स और मानव कॉल, तो आप देख सकते हो कि मानव कॉल की जो राइटिंग है उनका जो एक्टिंग है, अगर मानव कॉल की सबसे बेस्ट, हालांकि उनके सारी फिल्में तो बेस्ट है पर लास्ट मैंने उनकी फिल्म देखी थी नेल पॉलिश, क्या कमाल का बेहतरीन एक्टिंग और परफॉर्मेंस दिया, मतलब मज़ा आ जाता है देख करके उनको, तो इन्हीं के लिए मैंने ये फिल्म तो देखा था, वेब सीरीज देखा, अच्छा है, आपको भी एक बार ट्राई करना चाहिए, बस इसके लिए कि आपको थोड़ा टाइम देना होगा। मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में कोई और फिल्म ट्रेलर टीजर वेब सीरीज के रिव्यू के साथ।